आईपीएल न्यूज एक्सपो। मैं हूँ इस समय प्रगति मैदान, यहाँ चल रही है एमटेक एशियन मशीन टूल एग्जीबिशन। इसके अंदर आपको दिखाई देंगे सारी मशीनें, लाइट मशीनें, हैवी मशीनें, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और लेजर कटिंग और अलग अलग टाइप की सारी मशीनें इसके अंदर एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो कुछ मिलेगा, एक नई मशीनें जो लेटेस्ट आती हैं वो आपको हम दिखलाते हैं। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहा है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम हर बार आपको एक नया चैप्टर, एक नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी आपको दिखलाते हैं। चलते हैं अंदर और दिखलाएंगे और मिलवाएंगे भी साथ में, क्या क्या नया लेके आए हैं और कौन कौन सी कंपनी कौन से स्टेट की है। और यहाँ पे आपको विदेशी भी मिलेंगी और देसी भी मिलेंगी। चलते हैं अंदर। ये आप देख रहे हैं बेटे कटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली, यहाँ से देखेंगे किस तरीके से वन बाई वन करके यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ आप देख रहे हैं 40 टन का पावर प्रेस। मैडम क्या कॉस्ट है इसकी, प्राइस क्या है इसकी? 375,000। कहाँ का बना हुआ है? अमृतसर। अमृतसर। यहाँ आप देखें ग्राइंडिंग मशीन, यहाँ पे इसका पैनल है, ये देख रहे हैं। सारी नमस्कार। अच्छा नमस्कार सर, ये आपके मशीन है किस चीज़ के लिए? ये सर स्पॉट वेल्डिंग कम प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, ऑटो लाइन पे ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर के काम आती है। अच्छा आपका क्या जॉब है सर? सर मैं, ये जो आपकी कंपनी कहाँ की है? ये सर हमारी नोएडा की है। नोएडा की जी। कितने साल से बना रहे हैं आप? ये हमारी कंपनी वैसे 1963 से है, बट मेरे को पिछले 30 साल से मैं कंपनी में हूँ, इस कंपनी में। तो जो आप जो स्पॉट वेल्डिंग के है, ये मशीन की कितनी कॉस्ट है? इस स्पॉट वेल्डिंग की कॉस्ट है सर 4.5 लाख। 4.5 लाख। थैंक यू सर। थैंक यू।
सब नमस्कार। नमस्कार, अपने परिचय दीजिए। सुजल फ्रॉम अहमदाबाद, पविया मशीन टूल अहमदाबाद कंपनीज ने। अच्छा, ये मशीन क्या है? मशीन है, लेथ मशीन, 1 मीटर के एडमिट बिटवीन सेंटर के साथ। इसकी सेंटर है जो है वो 230 रहेगी, ठीक है। पूरा 1 पीस कास्टिंग बॉडी रहेगा मशीन का। अच्छा, ये इसका स्टॉक पर इसका वर्किंग है, पूरे सेफ्टी फीचर्स के साथ में रहेगा। जैसे टूल पोस्ट का ये चक्का गाइड हो गया, ये टूल पोस्ट का गाइड हो गया, ठीक है। फुट जैक साथ में आती है, मशीन के साथ में फुली लोडेड मशीन आएगी। मशीन के साथ में एक 3 जो चक, 4 जो चक, फिर इसका फॉलो रेस्ट आ गया, स्टडी रेस्ट आ गया, फिर इसका टूल बॉक्स आ गया, इन बिल्ट कूलर सिस्टम आ गया, फेस प्लेट, वो सब मशीन से मशीन के साथ में रहेगी। लीड स्क्रू का गाइड है, जिससे क्या होता है कि लीड स्क्रू का कभी कभी चिप छूट के इसमें फंस जाती है, डैमेज हो जाती है, तो लीड स्क्रू का गाइड है। ऑटो में चल सकती है, 16 टन की स्पीड रहेगी। इसका मैक्सिमम आरपीएम 2000 रहेगा, ठीक है। आपको जितना आरपीएम चेंज करना है वो 2000 मैक्सिमम कर सकते हैं, सकते हैं। यस, और मिनिमम आपका 25। ये मशीन है कहाँ की? ये मशीन चाइना बेस है, चाइना बेस हम लोग सप्लायर है। क्या कॉस्ट है? कॉस्ट है 9,20,000। ठीक है, थैंक यू सर। हैवी मशीन है जो आप देख रहे हैं। नमस्कार सर। सर, ये मशीन आपकी किस चीज के लिए है? ये सीट मेटल बेंडिंग की मशीन है और ये फुल सीएनसी सर्वो है। अच्छा जी। और ये साउंड प्रूफ मशीन है एंड ये इसका जो कैपेसिटी वो 100 टन एंड 3.2 मीटर्स लंबी है। अच्छा, ठीक है सर। और लांबा प्रेस चाहिए। लांबा प्रेस है जी। तो ये कितने फुट की है? ये 10 फुट की है। ये 10 फुट की है जी। तो कितनी मोटाई तक ये बैंड कर देती है? 4 mm फुल लेंथ। फुल लेंथ। क्या कोस्ट बैटरी है इसकी? सॉरी, कॉस्ट क्या है इसकी, प्राइस क्या है? 28 लाख की है। 28 लाख की। तो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है इसकी? ये सर दिल्ली बेसिस कंपनी है, सोनीपत में हमारा प्लांट है। अच्छा, कितने साल से है ये? ये 63 ईयर ओल्ड है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, ये भी बेंडिंग मशीन है जो आप देख रहे हैं, सब अलग अलग कंपनी की। ये अलग से की दिया हुआ है जिससे कि ये गलती से अगर मान लीजिए कुछ खून बाहर ना घूमे, आराम से स्लाइड होकर निकल। रिवर्स भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जॉब वर्क, डिपेंडिंग ऑन जी। इसका इस क्लैंप का बड़ा अच्छा, ये हमारे टाइट का क्लैंप है और ये पर जब लगा लिया फर्दर फिर आगे से यहाँ से टाइट कर देते हैं। किस चीज़ के लिए रह सके? शीट बेंडिंग के लिए। शीट बेंडिंग कितने फुट की? हाँ, ये 1200। मुख्य बात क्या है सर, ये पीछे दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे सारा लेजर कटिंग है, ये सारे प्रोडक्ट जो है इसी मशीन से कटे हुए हैं जो मैं आपको अब दिखलाऊंगा। ये स्टील के देख रहे हैं आप जो। सर नमस्कार, आपकी कंपनी, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं सुधांशु रावत हूँ, कीच इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से। सर, ये मेरी मशीन है, मेटल कटिंग मशीन है हम लोगों की सर, 3 kW की। अच्छा। इसके अंदर सर आप 12 mm तक आप MS काट सकते हैं सर कंटिन्यूसली। वैसे इसका मैक्सिमम आप 20 mm तक काट सकते हैं, ऐसे तो आप 8 mm तक काट सकते हैं कंटिन्यूसली। कितने भाई कितने फुट की है? सर, ये 1.5x3 मीटर की मशीन है सर। अच्छा, चाइनीज मशीन है सर। इसके अंदर जो हेड लगा हुआ है वो रेटू का लगा हुआ है, ऑटो फोकस हेड है, BM111 सर। मोटर और ड्राइवर सर यश गावा के हैं। एल्यूमिनियम ब्रास आप सर 6 mm तक काट सकते हैं सर। निविजा टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी का नाम है सर। अच्छा जी। हम कट मेटल कटिंग, मेटल बेंडिंग, वेल्डिंग और मार्किंग मशीन पे डील करते हैं सर। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस नारायणा के अंदर है, वो डेमो सेंटर हमारा टिकरी बॉर्डर के अंदर है सर हम लोगों का। थैंक यू सर, नमस्कार सर। ये फाइबर मार्किंग मशीन है, 20 बॉडी की। ये ब्रांडिंग का काम करती है, एस एस और एम एस ब्रांडिंग करती है। जो भी आपके मटेरियल हो उसकी आपकी ब्रांडिंग का काम। 20 बॉडी की मशीन है, मैक्स के शोर के साथ होती है, 1 साल की ब्रांडिंग के साथ। तो गैल्वो का ये गैल्वो है, सीनो का गैल्वो है और स्नैप थीटा का लेंस लगा हुआ होता है। मैक्स का सोर्स होता है इसके अंदर 20 वॉट का, 30 वॉट भी आता है, 50 वॉट भी आता है, डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, किस मटेरियल पर उनको वो करना है। ठीक है सर, थैंक यू।
तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है कि जिसमें से साइज कोई भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। सर नमस्कार, नमस्कार, क्या मशीन है ये? ये एल्युमिनियम कटिंग मशीन है, एल्युमिनियम कटिंग। तो ये कितने इंच का पाइप लगकर कितने साइज तक का काट सकता है? ये आप मिनिमम कितना भी काट सकते हो, मैक्सिमम इसका 100 मिमी जाए तक। कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है ये? ताइवान की। ताइवान, ताइवान की। तो ये आप देखा, मशीन देखिए किस तरीके से काटा है, उसमें पता भी महसूस भी नहीं हुआ एल्युमिनियम की ये पाइप जो है किस तरीके से काटा है। क्या कॉस्ट है इसकी? 8 लाख की। ठीक है, दोबारा बताओ सर। ये फाइबर लेजर मार्किंग मशीन है, ऑल मेटल पार्ट प्लास्टिक में बना है। तो इस तरीके से नाम है, अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। कितनी कॉस्ट है इस मशीन ये सर? 2.5 लाख की। 2.5 लाख की। कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है सर? मायापुरी दिल्ली। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली। तो क्या है मशीन आपकी ये? दिस इज बेसिकली अ क्रॉस शाफ्ट सी फ्रेम न्यूमेटिक पावर प्रेस। ऑटोमेटिक पावर प्रेस। यस सर। तो कितने टन का है ये? 31 का। कितनी क्या पहुँचे इसको? 9.5 लाख। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते। तो ये मशीन आपके क्या काम कर रही है? ये लोहा काटने की मशीन है। तो डायमीटर का है। कहाँ का कंपनी है ये? ये देवास की है, देवास इंदौर। इंदौर, इंदौर की है। तो इसकी मशीन में दिखलाओगे काट करके? तो ये देखो, इस समय हम यहाँ पे ये मशीन को चालू करके इसको दिखलाएंगे काट के किस तरीके से काटता है। डिस्प्ले बोर्ड है इसका, देखिए कटिंग चालू हो रही है। क्या कॉस्ट है मशीन की ये जी? क्या कीमत कितनी है मशीन की? 22 लाख। यहाँ आप देखेंगे टोल है, स्ट्रेटन करना थोड़ा टिपिकल इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला सरफेस एरिया, फिर फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन। तो सरफेस एरिया इस मटेरियल का क्या है कि मोल्डिंग मशीन है जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं रोबोट। कंप्यूटर से फीड करके जो भी इसके अंदर डालेंगे वो सॉफ्टवेयर है, उसको फीड करके इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने से फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ये अपने को ये जो इलेक्ट्रोड है ना, हाँ जी हाँ जी, ये इस डिजाइन से बनाना होगा जो हमें जिस तरीके की मोल्डिंग चाहिए, जैसे ये सेप है तो उस सेप पर। तो इस समय ये जो है इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है भैया।
ये मशीन है। क्या कॉस्ट है इसकी? सर इसकी 60 लाख 60 लाख की 16 लाख 16 लाख। कहाँ की है आपकी? मुझे नासिक का है सर। नासिक का? नासिक का है और पूरा मशीन इंडियन मेक है सर। अच्छा, कुछ भी इम्पोर्टेड पार्ट नहीं है। कितने साल से बना रहे हैं सर? हम यहाँ इस बिजनेस से 35 साल साल से सर। 98। और कौन सी और मशीनें बना रहे हैं? हम CNC वायर कट, EDM, EDM ड्रिल, CNC EDM मशीनें बनाते हैं। अच्छा, इस समय डिस्प्ले के अंदर यही है? अभी डिस्प्ले में CNC EDM और इजी ड्रिल करके दो मशीनें। थैंक यू।